नमस्कार जी, मैं साधना मेरठ से यादव गार्डन में आप बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको पिछला वीडियो अपना विजिट नर्सरी का डाला था, तो मैंने कुछ प्लांट परचेज किए थे, तो मैं आज आपको वही दिखाऊंगी रिपोर्ट करूंगी। तब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैं किस तरह रिपोर्ट करूंगी। आज मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन से प्लांट लेके आई थी। फ्रेंड्स ये देखिए पेंटास बता रहा था। ये देखिए इस कलर कितना सुंदर है, पिंक कलर का है ये। ये फ्रेंड ये परमानेंट प्लांट बता रहा था नर्सरी वाला, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर बोला ये परमानेंट है। ये देखिए, एक तो मैं ये लेके आई हूँ, ये मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा है फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, ये विंका है मेरे, सदाबहार है जिसे कहते हैं। ये है, इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया था शाम को। इसका कलर मुझे पता नहीं है किस तरह का कलर है फ्रेंड। ये देखिए मेरे इतने सारे मैं लेके आई हूँ प्लांट। ये देखिए मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। देखो ये देखिए, ये भी सदाबहार है, इसका भी कलर, इसमें बर्ड आ रहे हैं मगर पता नहीं कौन से कलर की खिलेगी फ्रेंड्स। ये देखिए एक मैं ये इसे बोलते हैं पोर्टुला मॉस रोज और 9 o'clock, कई नामों से जानते हैं फ्रेंड इसको, हर जगह का इसका नाम अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसको गुल दोपहरी भी बोलते हैं फ्रेंड, कि दोपहर में खिलती है ये, सुबह मॉर्निंग में इस तरह का नाम बोलते हैं। ये है देखिए, बहुत इजी टू ग्रो है, आप इसकी स्टिक भी लगा सकते हैं तो लग जाती है फ्रेंड। ये देखिए इसका कलर पिंक कलर का है। ये देखिए पिंक कलर का है, इसका फूल आ रहा था, ये देखिए पिंक है। ये देखिए एक मैं लाई हूँ, ये कितना सुंदर है, वाइट कलर का है। देखिए इसमें ये सुंदर से कलर फूल आ रहे हैं, देखिए ये वाइट है। ये देखिए वाइट कलर का है ये फ्रेंड। ये देखिए एक मैं लाई हूँ, इसे ट्रायंगल फाइकस कहते हैं। ये है ट्रायंगल फाइकस, ये देखिए इसकी ट्रायंगल जैसी सेफ है। देखिए फ्रेंड, तीन तरह की इसके इसका नाम ट्रायंगल फाइकस पड़ गया। वेरिकेटेड है ये, बोनसाई के बनाने के बहुत अच्छा ये है, इसको बहुत अच्छे तरह बोनसाई बना सकते हैं, मगर मुझे बोनसाई अभी मैंने कभी ट्राई नहीं किया बनाना बोनसाई, और मुझे बोनसाई ज़्यादा पसंद भी नहीं है फ्रेंड्स। मगर मैं इसको बहुत अच्छा, मतलब ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी होगी, घनी घनी हो जाएगी, बिल्कुल बहुत भर जाएगा प्लांट, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। ये देखिए एक मैं गुड़हल ला के आई हूँ, हबीकस जिसे, देखिए ये शायद देसी वाला है, इसका मुझे उसने बताया नहीं, मगर इसमें बहुत, मतलब ये पूरे हर साल फ्लावरिंग करता है, ये पूरे साल फ्लावरिंग करेगा। ये पिंक कलर का प्लांट है, ये देखिए ये पिंक है, ये देखिए फ्रेंड, एक ये भी मेरा ग्रीन का है। ये देखिए इसमें कलर देखिए कितना सुंदर आ रहा है, ये पिंक कलर का है। ये देखिए ये मैं लाई हूँ, देखिए ये छोटे छोटे से हैं। ये देखिए रोज़ कितना सुंदर, गुलाब के जैसा लगता है ना इसको, इसलिए इसको रोज़ मॉस रोज़ बोलते हैं। ये देखिए 9 o'clock के सुबह ये खिल जाते हैं, 9 o'clock, इसलिए ऑरेंज कलर का है ये। ये पिंक शेड में है, ये इसका पिंक शेड भी देखिए फ्रेंड, ये पिंक शेड भी इसका डबल वाला है। ये देखिए इस तरह से इसके जब इसके फूल ख़त्म हो जाते हैं फ्रेंड, इस तरह से आप पिंचिंग कर दीजिए इसकी, इस तरह से पिंचिंग करेंगे ना तो बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा घना हो जाएगा आपका, बहुत ही ज़्यादा घना हो जाएगा। इस तरह से आप इसकी पिंचिंग कर दिए, फूल को हटा दीजिए, इसको यहाँ से आप कुछ नहीं करना, आपको इसको हल्का सा, ये देखिए इस तरह से इसको कर देने हैं। ना देखिए मेरा नेक्स्ट है येलो कलर का है, इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं। इसको भी देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से पिंचिंग कर दीजिए इसको। ये देखिए फ्रेंड्स ये देखो
ये देखिए इसको, इसमें लगा हुआ है, पॉली बैग में ही लगे हुए लाए थे मैं। इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। ये से मुझे दिन का राजा बताया है, दिन का राजा है। इसमें देखिए इसमें कलियां भी बन रही हैं, ये देखिए आप। अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें, ये देखिए इसमें कलियां बन रही हैं, ये देखो, ये देखिए इसमें, ये देखिए, ये देखो, ये देखिए ये कलियां इसमें आ रही हैं। ये दिन का राजा है, जैसे रात की रानी होती है तो इसका नाम दिन का राजा है। ये दिन में खिलता है, रात की रानी रात को खिलती है और बहुत खुशबू देता है इसका फूल भी। फ्रेंड इस ये भी बहुत ही खुशबू करता है दिन में, इसलिए इसका नाम रात दिन का राजा पड़ा, क्योंकि ये दिन में खिलता है। नर्सरी वाले ने तो मुझे यही बताया फ्रेंड्स। ये देखिए अब मेरा, ये देखिए एक मैं ये लेके आई हूँ, इसका मुझे नाम नहीं पता, उसे भी नाम नहीं पता था क्या है, मगर इसमें देखिए आप, ये ऐसे पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और देखिए कितना अच्छा ग्रो है कर रहा है ये। देखिए नीचे से भी देखिए आप, क्योंकि मैंने प्लांट, आप भी कोई भी नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं फ्रेंड, आप उसका देखिए, इसको ग्रो देखना, इसकी पहले तो नीचे नीचे देना उसकी जो इस लगा हुआ है गमले पॉली बैग में या किसी गमले में, उसकी कितनी है, अगर नीचे से सूख रहा है तो बिल्कुल मत लीजिए आप, क्योंकि जब तक वो नीचे से उसके सूख रहा है तो वो प्लांट ज़्यादा हमारे चलेगा नहीं, क्योंकि जब उसके नीचे से जड़ी ख़राब हो रही है तो नहीं। इसलिए हमेशा प्लांट लेते समय आप इस बात का ध्यान रखिए, या आप ये देखिए नीचे से कितनी ग्रो कर रहा है ये, इसकी हेल्दी है, जड़ नहीं है। ये देखिए फ्रेंड मेरे, देखिए इसके आप देखिए कितनी हेल्दी है, ये देखो, ये देखिए आप, मैं आपको इसको हटा कर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसको भी देखिए, दिन के राजा का भी देखिए आप, ये देखिए फ्रेंड, इसकी भी देखिए आप कितनी अच्छी जड़ है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए इसकी जड़ देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये देखिए कितनी अच्छी रूट, कहीं से भी कोई सूखा सूखी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, देखिए ग्रो कर रही है, देखिए नई नई वो भी नीचे से निकल रही है फ्रेंड। तो ये मेरा कलेक्शन था, ये मैंने प्लांट खरीदे थे, एक बार देखिए आप, ये है मॉस रोज के लिए है, मैंने तीन में हैंगिंग बास्केट लगा दिए हैं। ये दिन का राजा है, इसका नाम मुझे पता नहीं है, मगर इसमें फ्लावर्स आते हैं पर्पल कलर के। एक ये है, ये मॉस रोज वाइट है, ये सदाबहार है विंग का, ये भी सदाबहार है। ये पिंटास है, इसका पिंक कलर का मेरे पास है एक ही, मगर उसमें बोला है मैंने पहली बार लगा रही हूँ, उसको मुझे जानकारी नहीं है। मैं इसको जब ग्रो करूँगी तो आपको इसके बारे में बताऊँगी, मतलब इसको अपना ट्रांसप्लांट करूँगी अपने गमले में, तब मैं आपको सारी जानकारी दूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए ये ट्रायंगल फाइकस है, ये देखिए मेरा ये गुड़हल है। मैं आपको जब मैं ट्रांसप्लांट करूँगी तो आपको मैं अपनी दूसरा वीडियो डालूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए आप मेरे प्लांट कैसे लगे, मेरी शॉपिंग कैसी लगी फ्रेंड, जरूर बताइए। मैं आपको चलिए इसका रेट बता देती हूँ फ्रेंड। ये दिन का राजा है, ये भी मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा है दिन का राजा, ये फ्रेंड ये मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा है, और ये भी मुझे ये 70 रुपीज़ का पड़ा है मेरा ये, और ये मुझे 20 रुपीज़ के पड़े हैं, 20 रुपीज़ ईच है ये फ्रेंड, ये 20 रुपीज़, ये 50 रुपीज़ का है पिंटास, 50 रुपीज़ का है 20 रुपीज़, ये 50 का है 20 रुपीज़, ये भी 20 का है फ्रेंड, ये भी 20 का है, ये मुझे उसने 150 का दिया है फ्रेंड, ट्रायंगल फाइकस। तो मेरी ये शॉपिंग थी, आपको मैंने इसके प्राइस बता दिए हैं। ये मैंने साई, हमारे जो कैंट एरिया में साई नर्सरी पड़ती है, मैंने वहाँ से परचेज़ किए हैं फ्रेंड। मैंने अपना पिछला वीडियो नाइट साई नर्सरी का विजिट डाला था, आप लोग वहाँ से प्लांट को बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छे रेट में प्लांट मिलते हैं फ्रेंड, अच्छे रीजनेबल रेट है, और नर्सरी से बहुत कम है, और आप थोड़ा सा
अपने आप कम भी करा सकते हैं, क्योंकि मैं तो कम करा लेती हूँ इसको। भैया को बार बार बोल बोल के तो वो फिर वो मुझे 10-20 रुपये हर प्लांट में, किसी में 10 भी कर देते हैं, किसी में 20 भी कर देते हैं, तो इसलिए वो कम कर देते हैं। और मैं इसलिए, मेरे ज़्यादातर प्लांट उसी नर्सरी के हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी आपको किसी प्लांट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, नमस्ते, धन्यवाद जी।